पिंपरी से आया हूं और मैं एक बजाज का VRS लिए के एक पर्सन हूं, VRS लिया हूं बजाज से। और मैं कल ही अपने एक दोस्त से, इस्लाम दोस्त से, मैं सुना कि जाकिर साहब यहां पर आए हैं और वो सब हिंदू धर्म के बारे में और क्रिश्चन के बारे में जो समानता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो मैं कल यहाँ 6 बजे आया था और 6 बजे से मैं आपकी सारी बात सुनी, मुझे बहुत आनंद हुआ। और आज भी मैं दूसरे दिन भी समय के पहले यहाँ आया हूँ और आपकी सारी बात सुनी, मुझे बहुत ही खुशी है। और मैं इस सब बात के लिए अल्लाह का शुक्र गुज़ार करता हूँ कि अल्लाह ने आपको जो भी कुछ ज्ञान दिया है सचमुच आज के युग में बहुत ज़रूरी है। और मैं एक सवाल आपको इस बारे में यही पूछना चाहता हूं कि मैं क्रिश्चियन आदमी हूं, मैं जीसस को मानता हूं और उसके वचनों को मैं पढ़ता हूं, और जब भी आपकी बात सुनी और उसमें से कुछ सवाल, एक ही सवाल मेरे मन में आया है और वो सवाल मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि गॉस्पल जो है जॉन का गॉस्पल, उसका जो 5वां अध्याय है उसमें 19 से लेकर 29 वचन जो है जो मैं पढ़ चुका हूँ, मेरे हाथ में मराठी बाइबल है, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। आप जो आपके पास जो बाइबल है, इंग्लिश बाइबल है, वो पढ़िए सबके सामने और उसका थोड़ा सा जो अर्थ है मुझे बताइए ताकि मैं उसमें खुश हो जाऊँ कि सचमुच वो वचन क्या है। मैं साहब यहाँ तकरीर में आने की खुश हुए और मैं भी खुश हूँ कि आप आए इधर। आप ईसा अलैहिस्सलाम में मानते, मैं भी मानता हूँ। फ़र्क ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा। आपने कहा कि बाइबल पढ़ो, मैं पढ़ सकता हूँ। आप खुद अगर पूछेंगे सवाल क्या पूछना चाहते हैं, मैं पढ़ सकता हूँ 19 से 29 तक, बट काफ़ी वक्त लगेगा। आपका सवाल क्या है आप पूछा, मैं जवाब दूंगा। आपका सवाल क्या है? सवाल जो है उस 10 वचनों में है, 19 से लेकर 29 तक जब पढ़ेंगे तो उसी में सवाल है और उसका जवाब भी उसी में है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि असल में वचन क्या समझाते हैं हमको। नहीं, सवाल पूछिए अपना, सवाल क्या है? वचनों में ही सवाल है, वचनों में ही जवाब है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा अगर आप पढ़ के सुनाए और उसका अगर सबको समझाए तो बहुत ही अच्छा होगा। आपने कहा गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 19 से लेकर 29 तक। 19 से लेकर 29 तक, हाँ, 10 वचन 19 से लेकर 29 तक। 19 से 29 तक, यस, ठीक है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 19 में लिखा है, ये बीच में से शुरू हो रहा है। देन आंसर्ड जीसस एंड सेड अनटू देम, वेरीली वेरीली आई से अनटू यू, द सन कैन डू नथिंग ऑफ हिमसेल्फ बट वॉट ही सीज द फादर डू, फॉर व्हाटसोएवर थिंग्स ही डज देयर ऑल्सो डज द सन लाइकवाइज, फॉर द फादर लवेथ द सन एंड शोएथ हिम ऑल थिंग्स दैट ही हिमसेल्फ डू इट, एंड ही विल शो हिम ग्रेटर वर्क्स देन दीज दैट ही मे मार्वल, फॉर एज द फादर रेजेथ अप द डेड एंड कुकेनेथ देम, इवन सो द सन कुकेनेथ हुम ही विल्स, for the father judges no man but hath committed all judgment unto the son, that all men should honor the son even as they honor the father, he that honoreth not the son honoreth not the father who hath sent him, verily verily I say unto you, he that heareth my word and believeth in him that sent me hath everlasting life and shall not come into condemnation but is passed from death unto life, verily verily I say unto you, the hour is coming and now is when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they shall hear shall live, for as the Father hath life in himself, so hath he given to the Son to have life in himself, and hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of Man. Marvel not at this, for the hour is coming in which all that are in the graves shall hear his voice and shall come forth, they shall have done good unto the resurrection of life and they have done evil unto the resurrection of the damnation. ये जो verses मैंने पढ़ी, मैं कहूँगा कि जो मैं तकरीर किया हूँ, कई बात जो मैं तकरीर की इसमें लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के, जो इसमें लफ्ज़ लिखा है बेटा, मैंने कहा पहले बेटा के मानी खुदा को मानने वाला, बेटे बहुत है, आदम अलैहिस्सलाम बेटा है, बाइबल में लिखा है इफ्रेम, इज़राइल, आइज़ैक, बहुत बेटे, लेकिन बेटा वो नहीं जना हुआ बेटा। तो अगर बाइबल में लिखा है व्होएवर इज लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड इज सन ऑफ गॉड, जो भी अल्लाह की बात मानता है अल्लाह के बेटे, आप खुदा की बात मानते हैं तो बाइबल के हिसाब से आप भी बेटे, मैं अल्लाह की बात मानता हूँ मैं भी बेटा हूँ, लेकिन बिब्लिकल तरीके से नॉट जना हुआ बेटा, ठीक है। तो इससे साफ जाए, इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप खुदा को मानते हैं तो इस बेटे की बात मानो, वही तो मैं कर रहा हूँ।
लेकिन जो बेटा कहाँ पे रहा उसका जांच पड़ताल तो करें हम, जो पॉल कह रहा उसकी बात थोड़ी मानना चाहिए, हमें मानना चाहिए जो ईसा अलैहि सलाम ने कहा। और इसमें लिखा है कि उनने मुर्दों में जान डाली, ये तो कुरान में भी लिखा है और मैं तकरीर में कहा। हम ये मानते हैं जो मॉडर्न क्रिश्चियन नहीं मानते कि ईसा अलैहि सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। मैं कहूँ तो जो कुछ मुख्तसरन सा इस 10 वर्सेस में लिखा, मैं अक्सर चीज़ जो लिखे मानता हूँ, लेकिन उसको समझने का ढंग अगर आप गलत तरीके समझते, वो बेटा मतलब जना हुआ बेटा है, तो आप गलती कर रहे हैं, आप बुरी बाइबल पढ़े ही नहीं, आप समझे ना। तो सही तरीके से समझना इम्पोर्टेंट है इन कॉन्टेक्स्ट। तो हम मानते हैं कि ईसा अलैहि सलाम अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर थे, और कई बार जिक्र है, आप गॉस्पेल ऑफ जॉन पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, यही जॉन में लिखा है, यही जॉन में लिखा है, चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 6 में, आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमिट अन टू द फादर बट बाई मी, आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, मैं ही तरीका हूं, सच्चा तरीका, आपको जिंदगी मिलेंगी, जो आदमी मेरे तरीके पे चलता है वही सही तरीका है। आई एम द वे द ट्रूथ एंड लाइफ, नो मैन कमिट अन टू द फादर बट बाई मी, आप खुदा को पूछना चाहते हैं तो मेरे तरीके पे चलिए। ये वर्स को लेते बाइबल को कहते हैं कि ईसा अलैहि सलाम ने कहा कि वो खुदा है, गलत फहमी है। सही जानना चाहते हैं कॉन्टेक्स्ट पे जाइए, यही गॉस्पेल ऑफ जॉन जिसकी बात कर, आगे की बात कर रहा हूं मैं, उसके अंदर ईसा अलैहि सलाम कहते हैं चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 1 में, उसमें लिखा है कि आप अगर खुदा में मानते हैं तो मुझ में भी मानो, मेरे खुदा का घर बहुत बड़ा है और बहुत से कमरे हैं, मैं वहां जा रहा हूं आपके लिए जगह बनाने के लिए, और आप जानते हैं मैं कहां जा रहा हूं। तो फिलिप, आप फिलिप को जानते हैं ना, फिलिप कहता है आप कहां जा रहे हैं, मैं नहीं जानता हूं। तो ईसा अलैहि सलाम कहते आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कम टू द फादर बट बाय मी, अने मैं ही वो सही तरीका हूं, अच्छा तरीका हूं, आप खुदा को मेरे तरीके अलावा पहुंच नहीं सकते। और मैं इस बात पर मानता हूं हर वक्त, हर रसूल के वक्त वही रसूल सही तरीका बताता है। एट द टाइम ऑफ मोसेस, मोसेस वाज द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन केम अनटू द गॉड बट थ्रू मोसेस, पीस बी अपॉन हिम। एट द टाइम ऑफ जीसस क्राइस्ट, पीस बी अपॉन हिम, जीसस क्राइस्ट वाज द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन केम अनटू ऑलमाइटी गॉड बट थ्रू द वे ऑफ जीसस क्राइस्ट, पीस बी अपॉन हिम। बट टुडे इज द टाइम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, इज द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमिट अनटू ऑलमाइटी गॉड बट बाय द वे ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। तो मैं मानता हूं जो ईसा अलैहि सलाम ने अपने दौर में कहा वो अल्लाह के पैगंबर थे, हम उनकी इज्जत करते, लेकिन उनने ये कहा कि और एक पैगंबर आने वाला है, वही गॉस्पेल ऑफ जॉन में। आप 5वें आप बात कर रहे, मैं 14 पे पहुंच गया, अभी 16 पे पहुंच गया हूं, बाइबल से नहीं पढ़ रहा हूं, मैं मेरे ब्रेन से बोल रहा हूं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 12 और 14 में लिखे, मैं आपसे सब कुछ अभी नहीं कह सकता हूं क्योंकि आप नहीं समझेंगे, जब वो आदमी आएगा हक का रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिक्र हो रहा है, वो आपको सारी सच्चाइयां बताएगा और मेरी तारीफ करेगा। इसीलिए ईसा अलैहि सलाम ने भी कहा आपको मानना चाहिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, अगर आप सच्चे क्रिश्चियन हैं। इसीलिए मैं कहता हूं मैं ईसाई से बेहतर ईसाई हूं, लेकिन आपको अच्छा बेहतर ईसाई बनना है तो कुरान में मानना ही पड़ेगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मानना ही पड़ेगा।